फ्रेंड्स, अब हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। यूनिट थर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम सबसे पहले रासायनिक साम्य को समझने के लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स आपस में क्रिया करते हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो अभिकारक से रासायनिक दृष्टि से भिन्न होंगे, मतलब पदार्थ या रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट से अलग होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहली कौन सी है? इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगी? जब कोई रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान उत्पाद में परिवर्तित होता है, लेकिन वही प्रोडक्ट या उत्पाद वापस अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो सकता, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम बेरियम क्लोराइड लें टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो बेरियम सल्फेट का वाइट या सफ़ेद प्रेसिपिटेट अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl, पर हम बेरियम सल्फेट से दोबारा बेरियम क्लोराइड प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये अभिक्रिया कैसी है? अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी प्रकार अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो KClO3 को जब गर्म किया जाता है तो KCl प्लस 3O2। और एग्जांपल लें तो अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 को जब हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस प्लस पानी। तो ये तीनों अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को या उत्पाद को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल, दूसरी तरह की अभिक्रियाएं वो कहलाती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या रिवर्सिबल रिएक्शंस। कुछ अभिक्रियाओं की शर्तों में यानी कुछ कंडीशंस को चेंज करते हैं। अभिक्रिया वही है, कुछ शर्तों को चेंज करते हैं और उनकी दिशा को हम विपरीत कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में अभिक्रिया से पहले उत्पाद बनता है और वही उत्पाद पुनः अभिक्रिया में परिवर्तित किया जा सकता है, और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हुई? जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, यानी अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हुआ और उत्पाद से अभिकारक में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में। एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लें। सपोज करते हैं कि ए प्लस बी इज कन्वर्टेड इंटू सी प्लस डी, तो इसे हम कहते हैं अग्राभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन, और यही C प्लस डी दोबारा कन्वर्ट हो जाता है A प्लस बी में, तो हम इसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम दोनों साइड चलती है कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? A प्लस बी गिव C प्लस डी, और हाफ एरो लगाते हैं, हाफ आगे की तरफ और हाफ पीछे की तरफ। कुछ उदाहरण देते हैं कौन कौन से हैं। तो H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स HI, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाती हैं, जो दोबारा हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो सकती है। उसी तरह से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया, और ये भी दोबारा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो सकती हैं। तीसरा उदाहरण दें तो NO2 गैस जो N2 प्लस
N2O4 गैस में कन्वर्ट होती है जो दोबारा NO2 में कन्वर्ट हो सकती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 या PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो ये सारे एग्जांपल्स गैस के हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल C2H5OH C2H5OH से यानी एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाए, एसिड एस्टर बनता है, इथाइल एसिटेट प्लस H2O लिक्विड। और यही H2O लिक्विड प्लस यानी पानी प्लस इथाइल एसिटेट की रिएक्शन कराएं तो ये दोबारा क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। अगर सॉलिड्स में देखें, पर सॉलिड्स में हमें रिएक्शन क्या करानी पड़ेगी, टर्म एंड कंडीशंस में करानी पड़ेगी कि हमें इसे बंद पात्र में कराना है, क्लोज्ड वेसल में। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का सबसे इम्पॉर्टेंट गुण या प्रॉपर्टी ये है कि ये अभिक्रियाएं कभी कंप्लीट नहीं होती, और कुछ समय बाद कैसा लगता है जैसे अभिक्रिया रुक सी गई है, पर होता ऐसा नहीं है। होता क्या है कि अभिक्रिया आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों तरफ की गति एक समान हो जाती है, और उस स्थिति में जहाँ अग्र और प्रति दिशा का वेग समान हो जाता है उस अवस्था में क्या आ जाता है, रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में जब अग्र और प्रति दिशाओं के अभिक्रियाओं के वेग एक समान हो जाते हैं उस अवस्था को हम केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं रासायनिक साम्य को। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी एंड सी प्लस डी गिव्स ए प्लस बी। हमने अभिक्रिया को बंद पात्र में क्लोज्ड वेसल में कराया है। अब क्या होगा, पहले ए प्लस सी सी प्लस डी बनना शुरू होगा, थोड़ी देर बाद सी प्लस डी पुनः ए प्लस बी बनना शुरू हो जाएगा, अर्थात अग्र और प्रतिप अभिक्रियाएँ दोनों एक ही साथ चलती रहती हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जैसे जैसे C प्लस डी की मात्रा बढ़ेगी C प्लस डी की मात्रा बढ़ेगी, प्रतिप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और इस प्रकार समय के साथ अग्र अभिक्रिया का वेग घटता जाएगा। थोड़ी देर बाद प्रतिप अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और कुछ समय पश्चात ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अग्र और प्रति दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाएगा, और उस अवस्था को हम क्या कहेंगे कि ये अभिक्रिया की साम्य अवस्था है। तो अगर हमें साम्य अवस्था देखनी है तो हम ग्राफ से कैसे देख सकते हैं कि अभिक्रिया की वह स्थिति जब दोनों विपरीत अभिक्रियाओं का वेग एक समान हो जाता है वो कहलाता है अभिक्रिया की साम्यावस्था। तो अगर हम अभिक्रिया के वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हम यह देख रहे हैं कि बीच की लाइन साम्यावस्था को बता रही है, Rf फॉरवर्ड या अग्र अभिक्रिया का वेग है और Rb प्रतिप अभिक्रिया का वेग है, और उस अवस्था में दोनों मिलकर कुछ समय बाद एक ही बिंदु पर आ जाते हैं, और उस समय जो अभिक्रिया का वेग है वो साम्य अवस्था कहलाती है। रासायनिक साम्य एक गतिज होता है, गति के समान है, धीरे धीरे यानी समय से निकाला जाता है। तो अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन गैस का एग्जाम्पल लेते हैं तो साम्य अवस्था पर आने के बाद क्या स्थिति होती है, हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस
और हाइड्रोजन आयोडाइड तीनों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। और अगर इस अवस्था में हम थोड़ा सा रेडियो एक्टिव आयोडीन मिला दें मिश्रण में, थोड़ा सा रेडियो एक्टिव आयोडीन हमने मिला दिया, तो कुछ समय बाद अभिक्रिया के बाद अगर हम विश्लेषण एनालिसिस करना चाहें तो हम देखते हैं कि जो एच आई बन रहा है उस एच आई में भी थोड़ा सा रेडियो एक्टिव आयोडीन है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि साम्य अवस्था के दौरान भी अग्र और प्रतीप अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, बस उनका वेग समान होता है। अब मुख्य लक्षण यानी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला है कि अगर हमने अभिक्रिया को खुले पात्र में कराई है, ओपन वेसल का मतलब हम उसको एटमॉस्फियर में करा रहे हैं, वायुमंडल की आ रहे हैं, तो गैसीय अभिक्रियाओं में अगर साम्य खुले पात्र में स्थापित नहीं हो सकता, इसलिए खुले क्योंकि गैस तो निकलती रहेगी, तो हमें जो है साम्य स्थापित करना है तो अभिक्रियाओं और उत्पादों को बाहर निकलने नहीं दिया जाना चाहिए, तभी अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि गैसीय अभिक्रियाएं जो हैं वो खुले पात्र में संभव नहीं है। यदि अभिक्रिया और उत्पाद कोई भी बाहर निकल जाता है तो उस स्थिति में साम्य स्थापित नहीं हो सकता। जबकि अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का, और एस्टर बन रहा है पानी के साथ, तो उसको हम खुले पात्र में करा सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि अभिकारक और उत्पादों की स्थिर सांद्रता यानी कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्थिर रहे। इसका क्या मतलब है, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में अगर बंद पात्र में स्थापित है तो साम्य अवस्था में जो बचा हुआ अभिकारक है और जो बन रहा उत्पाद है उनकी दोनों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। यानी किसी अभिक्रिया में साम्य अवस्था ज्ञात करने में भी इस लक्षण का आधार बनाया जा सकता है। इसलिए अगर हमें साम्य अवस्था कैलकुलेट करनी है तो हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया और उत्पाद की सांद्रताएं कितनी हैं, क्योंकि साम्य अवस्था पर वो सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। जैसे बंद पात्र में अगर हमने हाइड्रोजन और आयोडीन गैस की क्रिया कराई है और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे समय के अंतराल पर हम उत्पाद की हाइड्रोजन आयोडाइड गैस की कंसंट्रेशन यात्रा ज्ञात करते रहते हैं, और वो मात्रा जैसे ही स्थिर हो जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि इस वक्त हाइड्रोजन और आयोडीन की एच आई बनने की अभिक्रिया में एक साम्य स्थापित हो गया है। तीसरा पॉइंट, साम्य अवस्था दोनों ओर से स्थापित होती है यानी अभिक्रिया के दौरान साम्य अवस्था अभिकारक और उत्पाद दोनों में से किसी को भी लेकर ज्ञात की जा सकती है, दोनों तरफ ही निर्भर करती है, दोनों तरफ से एक साथ यानी अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया दोनों का वेग एक साथ बराबर होने पर ही साम्य अवस्था प्राप्त होती है। तो हम अभिक्रिया की साम्य अवस्था को किसी एक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि साम्य अवस्था पर हमें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस का अमोनिया ये कैलकुलेट करना है साम्य अवस्था में, तो हम क्या कर सकते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन अथवा अमोनिया दोनों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। माना कि जैसे अभिक्रिया है जिसमें N2 प्लस H2 1:3 के अनुपात में बंद कर दी गई और उसका बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई प्रेशर पे होता है, तो ये 573 केल्विन ताप है और 30 वायुमंडलीय दाब पर की जाती है, और उस वक्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनिया। तो उस स्थिति में साम्य अवस्था पर लगभग 7% अमोनिया प्राप्त होती है। ठीक है, अगर अमोनिया के केस में लेते हैं तो सिर्फ 7% अमोनिया प्राप्त होती है। अगर एक बंद पात्र में हम अमोनिया लेते हैं और इतने ही ताप पर, इतने ही 573 केल्विन ताप पर ही 30 वायुमंडलीय दाब पर हम अमोनिया को विघटित करते हैं,
तो उस स्थिति में 93% अमोनिया विघटित हो जाती है, यानी सिर्फ कितनी बच जाती है, 7% अमोनिया बची रह जाती है। तो दोनों कंडीशंस में यानी दोनों अभिक्रियाओं का वेग एक समान होता है साम्य अवस्था पर। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उत्प्रेरक का प्रभाव, यूज ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर हम उत्प्रेरक या कैटलिस्ट काम में ले रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उत्प्रेरक साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, अगर उत्प्रेरक काम में लिया है तो अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाएं एक साथ प्रभावित होती हैं और जो साम्य अवस्था है वो कुछ समय पहले आ जाता है, जैसे हम ग्राफ से देख रहे हैं। समय और वेग है, पहले कंडीशन में जब T2 टेम्परेचर के साथ हमने कोई उत्प्रेरक काम में नहीं लिया है तो हमारा डॉट स्ट्रेट लाइन से हमारा साम्य अवस्था आया T2 टेम्परेचर पर, और जब हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं तो डैश लाइन से दिखाई दे रहा है और वो हमारा T1 टेम्परेचर पर ही आ गया। तो जब हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं तो साम्य अवस्था आने में या स्थापित होने में समय कम लगता है। पांचवा पॉइंट, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्य अवस्था, फ्री एनर्जी के साथ कैसे चेंज होता है हमारा साम्य अवस्था। तो बहुत सिंपल है कि अगर साम्य अवस्था है तो मुक्त ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, डेल्टा जी बराबर 0 है। तो ये हमारे साम्य अवस्था के विशेष लक्षण थे जिसमें हम रिएक्शन को हमेशा बंद पात्र में कराएंगे अगर गैसेस ली हैं, दूसरा हम रिएक्शंस में अभिकारक और उत्पाद किसी भी एक की सांद्रता से पता लगा सकते हैं, तीसरा अगर अभिकारक में हमने उत्प्रेरक का काम लिया है तो साम्य अवस्था पहले आ जाती है, और चौथा गिब्स ऊर्जा का, तो साम्य अवस्था के दौरान अभिक्रिया में या गिब्स ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम आ रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, जो कि आप लोग 12th में भी पढ़ चुके हो पर हम यहाँ दोबारा पढ़ रहे हैं। तो अगर हमने शर्करा यानी शुगर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी अम्लीय जल अपघटन किया, यानी चीनी के अंदर पानी मिलाते हैं तो कुछ नहीं होता है, पर अगर हमने अम्लीय जल अपघटन किया है तो उस स्थिति में जैसे जैसे हम शुगर की या शर्करा की सांद्रता बढ़ाते हैं वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाता है, और अगर सांद्रता कम करते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी कम होता जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया है, C12H22O11+H2O gives glucose plus fructose। तो इस प्रकार अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो अगर हम एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें भी पता चलता है कि अगर हम अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव एस्टर की मात्रा पे पड़ता है, यानी अगर अभिकारक जो रिएक्टेंट्स हैं एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल इनकी मात्रा बढ़ाते हैं तो बनने वाले एस्टर की मात्रा भी बढ़ती है। तो इससे हमने एक लॉ निकाला है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तथा एक समांगी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी बहुत सिंपल वर्ड्स में कहें तो कोई भी अभिक्रिया चल रही है तो उस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के या सक्रिय द्रव्यमान के
गुणनफल के समानुपाती होता है। आगे हम मैथमेटिकल देखते हैं। जैसे अभिक्रिया का वेग मान लो a प्लस बी अभिकारक हैं जो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, तो नियम के अनुसार r जो अभिक्रिया का वेग है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b। हमने ब्रैकेट्स बंद किए हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन या सक्रिय द्रव्यमान। तो R इज इक्वल्स टू K स्क्वायर ब्रैकेट्स में A एंड B बंद किए, और K हमारा रेट कांस्टेंट या अभिक्रिया का वेग है, और A एंड B विद स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या हैं, A का एक्टिव मास या A की मोलर कंसंट्रेशन या फिर B का एक्टिव मास और या B की मोलर कंसंट्रेशन। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी, इसमें क्या अंतर है? तो हम जब मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं उसको हम C से लिखते हैं, और जब हम सक्रिय द्रव्यमान लेते हैं या एक्टिविटी लेते हैं तो हम उसको स्मॉल a से लिखते हैं, और दोनों के बीच एक रिलेशन होता है कि a इज इक्वल्स टू f इंटू c। F क्या है, सक्रिय गुणांक, और C क्या है, कंसंट्रेशन। तो अगर हम आदर्श यानी आइडियल कंडीशंस लेते हैं, आइडियल कंडीशंस में हमने सक्रिय गुणांक का मान 1 होता है और A बराबर C होता है, यानी सक्रियता बराबर मोलर कंसंट्रेशन होगा। तो यदि अभिक्रिया की समीकरण में पदार्थ के कई सारे हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D है, और उनके नंबर ऑफ मोल्स भी N1, N2, N3 हैं, जैसे हमने नीचे लिखा है N1 A प्लस N2 B गिव्स प्रोडक्ट, तो उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग को हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू K A कंसंट्रेशन ऑफ A इन एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ N1 मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ B इन द पावर ऑफ N2। तो इस तरह से जो कंसंट्रेशन की क्वांटिटी है, मोल्स हैं, उनको भी हम एक्सपोनेंशियल पावर में लिखते हैं। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की कंसंट्रेशंस को निकालने में बहुत काम आता है।